सीरियल अनुपमा में अनुपमा के नए सफर की शुरुआत अब हो चुकी है एक नए ट्रैक के साथ, जहां पर वो पूरी तरह से मुसीबतों में फंस चुकी है और राखी दवे की शर्त मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है। अब ये शर्त मानने के अलावा अनुपमा के सामने कोई ऑप्शन तो नहीं रहता है, लेकिन उसके लिए एक रास्ता जरूर खुल जाता है। दरअसल अनुज की एंट्री होने वाली है शो में, जहाँ पर अनुपमा से उसकी मुलाकात होगी। दरअसल परेशान होते हुए अनुपमा घर लौट रही होती है और उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता है घर वालों को ये बताने के अलावा कि राखी दवे ने उसके सामने शर्त रखी है और वो सॉल्यूशन तो उसने निकाल लिया है, लेकिन उसके लिए बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी कि किंजल को और तोशु को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और इन्हीं सब के बीच में अनुपमा फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन अब अनुपमा जिसका सामना जिससे होने वाला है वो उसकी सारी मुसीबतें कम कर देगा। अनुपमा और अनुज दोनों का ही आमना सामना होगा। इस बुरी कंडीशन में अनुपमा की कोई और नहीं, अनुज ही मदद करेगा। अब भाई जब लाइफ पार्टनर की एंट्री हो रही है तो वो अनुपमा जैसा ही तो होगा, तभी तो इनकी कंपेटिबिलिटी शो में देखने को मिलेगी। अगर वनराज के जैसा पार्टनर ही दिखाना होता तो पहले ही इनका तलाक नहीं होता, लेकिन यही कंपेटिबिलिटी वनराज पर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के जैसा ही साफ दिल का अनशान अनुज, जो कि बिना मतलब के ही अनुपमा की मदद करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है और अपनी दोस्ती की शुरुआत कर देता है। उन्हें बात का अंदाजा नहीं है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और ये सच भी जल्दी ही इन दोनों के सामने आ जाएगा। शुरुआत एक अनजान अजनबी से होगी, लेकिन शुरुआत की ही तो बात है और उसके बाद तो अनुज और अनुपमा दोनों एक होने ही हैं। शुरुआत होगी अनुपमा के नए सफर की, जहाँ पर अनुज इसको इतनी बड़ी मुसीबत से तो बाहर निकालेगा ही, साथ में मिलना जुलना और इतना अब यह नजदीकियां को बढ़ना, ये सब कुछ वनराज को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। वहां पर दूसरी तरफ काव्या बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो जाएगी और की उसकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन उस बात के लिए भी अनुपमा वनराज को मनाएगी। वनराज को अब बहुत बुरा लगने वाला है कि अनुपमा धीरे धीरे अनुज की तरफ खींची चली जा रही है और इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वनराज को यह एहसास होगा कि कैसे अनुपमा ने आखिर उसे और काव्या को झेला होगा, किस तरह से उन दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां होने के बावजूद भी अनुपमा ने कैसे इन चीजों को हैंडल किया होगा और उसे कितना बुरा हर्ट होगा। और अब इस चीज का उसे धीरे धीरे उसके सामने आंखों के सामने पिछली सारी चीजें यादें भी गूंजेगी, उसकी आंखों के सामने से वो नजारे भी गुजरेंगे जो अनुपमा ने फेस किए थे, और अब वही सेम सिचुएशन वनराज की हो जाने वाली। अब देखना है कि वनराज कब तक ये बर्दाश्त करता है और अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है।